समय बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता। जीवन बहुत लंबा है और एक जैसा समय नहीं रह सकता। हर किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय आते हैं। जब बुरा समय आता है तो जीव मानव अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, टूटने लगता है। बुरा समय मतलब हमारा दिमाग ही मान लेता है कि समय बुरा है, चाहे काम में नुकसान हुआ हो, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे प्रेम टूट गया हो, कहीं से धोखा मिला हो, शरीर में कोई रोग पैदा हुआ हो, कोई ऐसी घटना जिससे जीवन रुक सा गया, अंदर तक चोट पहुंची और व्यक्ति बिखर गया। ऐसे हालात में डिप्रेशन में चले जाते हैं, कमजोरी में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते, अंदर में आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं, ना कुछ खुशी होती। कितनी भी खुशी हो चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, व्यक्ति अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला जाता है, न समझ पाता न समझा पाता हालात को, सब अपने छोड़ छोड़ करके निकलने लगते हैं। एक एक जो सबसे नज़दीक व्यक्ति थे वो सबसे दूर हो जाते हैं। उस समय के ऊपर जो अपने होते हैं वही रहते हैं, वही आपको संभालते हैं, साथ देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तन मन धन से मदद करते हैं, आपको इस हालात से निकलने में सब कुछ दाव के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन ये बुद्धि मानने तक तैयार नहीं होती कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो गया, मैं जी नहीं सकता। अनेकों कारण हम देते रहते हैं, लेकिन जब वो समय धीरे धीरे बुरा कमज़ोर होने लगता है, अच्छे समय की आहट शुरू होती है, अच्छा समय आने लगता है, तो जब वो अच्छा समय फिर वही लोग नज़दीक आने लगते हैं, लेकिन हमें बुरे समय को देख लिया, बुरे समय को भोग लिया, मानव को अनुभव हो गया, वो सब समझने लगा, अपना पराया पहचानने लगा, सही गलत देखने लगा, तो उसका जो लाभ जो बुरा समय गया उसका अच्छे समय में जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, उसका लाभ जो मिलेगा उसका कोई वो पैसे से नहीं मिलता, वो समझने से भी नहीं मिलता, वो कोई समझाए उससे भी नहीं मिलता, वो किसी पाठशाला में भी नहीं मिलता, वो स्कूल में भी नहीं मिलता। वो मिलता है जो आपने झेला है, जो आपने समझा है, जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर से गुजर करके गया है, उससे वो प्राप्त हुआ। उससे जो प्राप्त हुआ उसका लाभ आपको पूरी उम्र मिलता रहेगा, और उसका लाभ समाज को भी मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा। आप अपने अनुभव से दूसरों को समझा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप दोबारा से इससे बहुत सावधान रहोगे, बहुत सावधानी के साथ चलोगे कि कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए और पूरा का पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाए।